और गर्दन को, कोहनी और घुटनों और गर्दन पर पड़े सिया दाग धब्बे और मैल कुचैल बाजुओं और गर्दन का हुस्न गारत कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कोहनियों और घुटनों की जिल्द जिस्म के दूसरे हिस्सों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ और मोटी होती है। इसलिए आज आपको इस मसले से निजात हासिल करने के लिए दो जबरदस्त नुस्खे बता रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको नुस्खे नंबर एक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो मैं अब आपको बताऊंगी वो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे नुस्खे नंबर एक में यूज होंगे। उसमें शामिल है हल्दी आधी चाय की चमची, जौ का आटा 2 खाने के चम्मच, दही 1 खाने का चम्मच और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। इस टोटके को बनाने का तरीका ये है कि एक प्याली में ये तमाम अज्जा डालकर इस वक्त तक अच्छी तरह मिक्स करते रहें जब तक ये एक पतला सा पेस्ट न बन जाए। अब इस मिक्सचर को इन जगहों पर लगाएं जहां निशान है, 1 घंटे तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद ये निशान खत्म होना शुरू हो जाएंगे और स्किन साफ शफाफ और गोरी हो जाएगी। और हमारा इलाज नंबर 2 है, इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल है उसमें हल्दी का पानी 1 खाने का चम्मच, खीरे का जूस 1 खाने का चम्मच और लेमन जूस 1 चाय का चम्मच। इस नुस्खे को बनाने का तरीका ये है कि इन तीनों चीजों को एक प्याली में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और कोहनियों, गर्दन और घुटनों पर लगाएं। हल्दी का पानी जिल्द से दाग धब्बे दूर करके जिल्द को साफ बनाता है। खीरे का पानी न सिर्फ जिल्द को मुलायम करेगा साथ ही ये जिल्द को ठंडा भी रखेगा, जबकि लेमन जूस जिल्द को गोरा बनाकर इसको एक खास चमक अता करेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।